नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बेट ओनली टेक। दोस्तों, अगर आप करते हैं एक लैपटॉप यूज, चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए करते हो या फिर किसी और काम के लिए, तो होता ये है मेरे भाई कि कभी कभी हम डेस्क पर रखते हैं लैपटॉप को और वहां पर उस पर काम करते हैं, कभी कभी हम बेड पर भी लैपटॉप को ले आते हैं, और कभी कभी तो हम लैपटॉप को लेके नीचे जमीन पर ही बैठ जाते हैं। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन में कई बार हमको लैपटॉप पे काम करते वक्त नजरें ऊपर नीचे करने में, गर्दन में दर्द होना, या फिर जो हमारा जो माउस होता है तो हथेली में कोई दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो हम सोचते हैं क्या कोई स्टैंड हमको ऐसा मिल जाए जो पोर्टेबल हो, जिसे हम कहीं भी यूज कर सके और उससे हमारा लैपटॉप जो है वो काफी अच्छे से एडजस्ट हो सके और हमें उसे वर्क करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, दो तरह के लैपटॉप स्टैंड मार्केट में आते हैं अमूमन, और भी तरह के आते होंगे पर ज्यादातर दो ही बिकते हैं। एक होता है विदाउट कूलिंग फैन, एक होता है विद कूलिंग फैन। अब विद कूलिंग फैन वाले जो स्टैंड है वो इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा या तो फिर कॉस्टली बहुत आते हैं। अगर हम एक बजट रेंज में लेंगे तो इतने अच्छे नहीं आते हैं। या फिर एक चीज ये भी होती है कि जैसे मान लो कूलिंग फैन वाले हम जब भी यूज करें, जब मान लो हमारे कमरे में हीट है, एसी वगैरह नहीं है, या फिर उसमें थोड़ा आवाज की भी प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सा नॉइस की प्रॉब्लम रहती है, तो कई बार ये होता है कि भाई हमारे रूम में एसी लगा हुआ है, पूरा जो है रूम भी कूल है, फिर भी हमें एक स्टैंड की जरूरत है और हमें एक विदाउट कूलिंग फैन वाला अच्छा सा स्टैंड चाहिए होता है। तो देखिए दोस्तों, आज जो मेरे पास है ये एक अमेजन बेसिस का है, ये काफी अच्छा है विदाउट कूलिंग फैन स्टैंड है लैपटॉप का, जो मैंने खुद अपने लैपटॉप के लिए परचेज किया है ताकि मैं उस पर वीडियो एडिटिंग कर सकूं काफी लंबे टाइम तक और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इसके साथ लैपटॉप रखा हुआ कितना अच्छा लगता है। तो इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भाई एक बात और बता दूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, वहां भी मैं कई चीजें पोस्ट करता रहता हूं। तो चलिए आज कुछ नया देख लेते हैं। दोस्तों, ये है अमेजन बेसिस वेंटिलेटेड लैपटॉप स्टैंड का बॉक्स, और इसके पीछे 1095 इसकी कीमत लिखी गई है। हालांकि इसकी कीमत 700 से 800 के बीच वैरी होती रहती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स को ही अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो बॉक्स को जैसे हम अनबॉक्स करते हैं, आप देखिए ये मुझे अंदर से स्टैंड प्राप्त हो जाता है। तो मैं इसका जो रैपर है वो भी हटा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक तो हमें ये मेटल से बना हुआ स्टैंड मिल जाता है, प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया इसमें, और इसके अलावा एक रबड़ से बना हुआ कोड ऑर्गेनाइजर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो कोड ऑर्गेनाइजर है ये हम इसके पीछे लगा देंगे और यहाँ पे हम अपने यूएसबी वायर वगैरह लगा सकते हैं और अपने कोई भी वायर यहाँ यूज लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, पूरी तरह एडजस्टेबल है, 12 से 35 डिग्री तक हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं जब इसके ऊपर हम लैपटॉप रखेंगे उसके बाद, और पूरी तरह एडजस्टेबल हो जाता है ये। इसके बाद बात करें हम सामने से, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसकी और काफ़ी मजबूत है ये। इसके अलावा बात करें, ये पीछे वायर लगाने का कोड ऑर्गेनाइजर है ही, और नीचे की तरफ कोनों में यहाँ पर कुछ रबड़ के ग्रिप दिए गए हैं ताकि लैपटॉप रखा हो तो ये थोड़ा हिले डुले ना, एकदम अच्छी ग्रिप बना के रखे टेबल पे। इसके अलावा सामने की तरफ ये लॉक सिस्टम कुछ दिया गया है, हालांकि लॉक नहीं है बट लैपटॉप इससे बिल्कुल भी सरकता नहीं है, स्किड नहीं होता है क्योंकि इस पर रबड़ की ग्रिप भी ऊपर दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें मुझे लगा, 15.6 इंच का लैपटॉप आप रख सकते हैं इजीली। ऊपर इसमें यहाँ पे सामने अमेजन बेसिस की जो ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा लैपटॉप को जब हम इसमें रखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका व्यू नज़र आता है। इसके अलावा आप बात करें इसके साइड से देखने की, तो साइड में कुछ इस तरह व्यू नज़र आता है, और हीटिंग लैपटॉप इसमें नहीं करता क्योंकि एयर फ्लो काफ़ी अच्छे से इसमें हो जाता है और ये इसकी लुकिंग होती है। तो दोस्तों, ये था अमेजन बेसिस का वेंटिलेटेड लैपटॉप स्टैंड। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी और लैपटॉप का स्टैंड भी काफी बेहतर लगा, और यार इस पर लैपटॉप रखने के बाद मुझे लैपटॉप जो एडजस्ट होता है वो काफी अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे, कोई भी नई जानकारी आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।